नमस्कार पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजनामाचार में मैं शुक्ला कक्षा 6 की संस्कृत के पुस्तक संस्कृत निधि का अष्टमः पाठ अर्थात आठवां पाठ शंकराचार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ शंकराचार्य ऐसा नाम है जो सबको ध्यातव्य है कि उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की आज भी उन्हें याद किया जाता है उन्होंने चारों दिशाओं में चार मठों का निर्माण किया तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं इसके अर्थ को देखते हैं और संपूर्ण अभ्यास कार्य एक पाठ में एक साथ देखते हुए चलेंगे केरल राज्य से पूर्णा नदी तीरे एक ग्राम केरल राज्य के पूर्णा नदी के तीरे अर्थात किनारे एक ग्राम है ग्राम से नाम कालडी अस्ति गांव का नाम कालडी है सात तमे वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत 788 ईसा पूर्व में शंकराचार्य का जन्म हुआ अस्य पितुहु नाम शिवगुरु मातु नाम आरम्बा च आसीत अस्य इनके पितु पिता का नाम शिवगुरु च और माता का नाम आरम्बा था शंकर से बाल शिवगुरु दिवंगता शंकर के बचपन में ही शिवगुरु का देहांत हो गया अतः आरंभा एव शंकर पालनम अकोत् अतः आरंभा ने शंकर का पालन पोषण किया बाल्य शह अतीव प्रतिभा संपन्न आसी बचपन में ही वह बहुत प्रतिभाशाली थे एकद शंकर स्नानाय नदी प्राविशत एक बार शंकर स्नान के लिए नदी में प्राविशत यानी प्रवेश किए तत्र तक मकर तम ग्रही त्वान। तत्र वहां एक मकर उनको यानी पकड़ लिया सह उच्च आक्रोशत वह जोर जोर से चिल्लाने लगे माता श्रुत्वा माता सुनकर नदी तटम आगछत नदी के किनारे आई तदा शंकर मातरम अवदत तब शंकर ने माता से बोला अम्ब माँ ग्रहणायम मह्यम अनुमति दे मां संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे मह्यम यानी मुझे अनुमति देहि अनुमति दीजिए तदा यो अहम मकरात मुक्ता भविष्यामि तभी यह जो मकर है मुझे मुक्त करेगा आरंबा शंकर से आरंभा जो है उसकी माँ शंकर के सन्यास के लिए खुश नहीं थी यानी उन, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो सन्यास ग्रहण करे किंतु पुत्र से कष्टम दृष्टवा लेकिन पुत्र के कष्ट को देखकर कर यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु उन्होंने कहा यथा जो तुम्हें रुचिकर लगे तथा वह कुरु इतिदत यह बोली एवं शंकर मकरात मुक्ता अभवत तुरंत ही शंकर मकरात से मुक्त हो गए सन्यासाय अनुमति लब्ध हुआ सन्यास की अनुमति प्राप्त करके शंकर गृह शंकर घर से निर्गच्छत निकल गए अष्टुवर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्र आचार गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान आठ वर्ष की अवस्था में वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किए द्वादश वर्षीय संकर बारह वर्ष में शंकर ने संपूर्ण देश से पर्यटन कृत काशीम प्राप्तवान बारह वर्ष की अवस्था में शंकर ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया काश और काशी प्राप्तवान और काशी को प्राप्त हुए षोडश वर्षे सह ब्रह्म सूत्र से लिखितवान। लिखितान सोलह वर्ष की अवस्था में वह ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखे आदिशंकर विविधा मधुराण स्रोत काव्या अभी रचित आदिशंकर ने विभिन्न प्रकार के मधुराण यानी अच्छे अच्छे स्रोत काव्य आदि भी लिखे सह धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुर दिक्षु, चतुरह मठान संस्थापितवान सह धर्म रक्षार्थम वह धर्म की रक्षा के लिए यानी वह देश के धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना किए केवलम द्वात्रिंशे एव वयस शंकर चार्य ब्रह्म भावम उपगत केवल बत्तीस वर्ष के ही अल्पावस्था में शंकराचार्य ब्रह्म में लीन हो गए आदि शंकराचार्य भारत आदि शंकराचार्य भारत वर्ष के एकता के लिए सनातन धर्म से सनातन धर्म की प्रतिष्ठा किए सर्वदा स्मरणीय विद्य थे यह हमेशा याद किया जाएगा या, या उनका जीवन याद रहेगा देखिए दिवंगत मृत्यु हो गई पूर्णानदी पूर्णा पूर्णानदी के तट पर प्राविशत यानी प्रवेश किए आक्रोशत यानी चिल्लाए श्रुत्वा यानी सुनकर सद्य यानी तुरंत शीघ्र लब्धवा यानी प्राप्त करके प्राप्त किए निर्गक्षत यानी निकल गए संस्थापितवान संस्थापित, संस्थापित किए तवांशे वयसी बत्तीसवें वर्ष में भ्याश उच्चारणम कर पुस्तिकायाम च लिखित उच्चारण करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है आदिशंकर्य आरंभ पूर्णानदीतीरे उप निषदादि भाष्याणी आक्रोशत ओंकारेश्वर क्षेत्रे स्त्रोत काव्या बाल्य कालाद अब दूसरा देखिए यथा योग्यम योज्यत जो योग्य है उसको यहाँ पर मिलान करना है जैसे मातरम अवदत भाष्यम अलिखत ज्ञानम प्राप्नोत प्रचारम अकरोत् जन्म अलभत नदीम आगछत तीसरा देखिए कि एक पदेन उत्तरत। काल्डी, ग्रामा, कस्मिन उतरत केरल कस््ये अस्त पिता कदादिवंगतः कदा माता पुत्र केन गृहत अपेयत मकरेण शंकर कश्य पर्यटन कृत्वा काशी प्राप्त संपूर्ण देश से संपूर्ण भारतवर्षे शंकर प्रचार अकरोत सनातन धर्म से अब संधिविक्षेतम कुरुत चौथा देखिए संधि विक्षेद कुरुत पदम और संधि विक्षेद यथा शंकर्य शंकर धन आचार्य करके दिखाया गया है सर्वोदय सर्वधन उदय ओंकारेश्वर ओंकार धन ईश्वरम पांचवा देखिए वाक्यांश रचयत तीरे पूर्णानदीतीरे ग्रा अस्त शंकरस्य शंकरस, माता आरंभा आसी संय शंकर संन मात्र न्योवेदत धर्मरक्षा श्री श्रीशंकर मठान संस्थात छठा देखिए रेखांकित तो आधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत जो रेखांकित पद है उनके आधार पर आपको प्रश्न की रचना करनी है पहला देखिए जो करके दिखाया गया है कि शंकर से पितु शिव गुरु आसीत तो आशीत तो आशीत आचार्य शंकर बाल्यकाले प्रतिभा संपन्ना आशीत तो की दृश आशीत मातु अनुमितिम लब्धवा शंकर गृहात निर्गछत तो किम यहाँ अनुमति के जगह किम लग के प्रश्न का निर्माण होगा धर्म रक्षार्थ देश से चतुर्दिक्षु चतुर मठान संस्थापित तो कश्य देश के जगह कश्य लगेगा अब सातवां देखिए कि अधो लिखितानि वाक्यान घटना क्रमेण पुस्तिकायाम लिखित यानी जो अधो लिखित यानी नीचे लिखे गए जितने भी घटना चक्र आपको यहां दिखाई पड़ रहे हैं इनको क्या करना है कि आपको उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिखना है कि पहला कौन आएगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो पहला आएगा पहला जो लिखा जाएगा ग इसका क होगा तो सात सौ वर्षे तमें वर्ष शंकराचार्य जन्म अभवत दूसराएगा अठवर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्र आचार गोविंद प्राप्तवान तीसरा एदस वर्षीय शंकर संपूर्ण देश से कृत्वा काशी काशी चौथा आएगा द्वा, एव वयसे शंकराचार्य ब्रह्म भाव उपगता अपि यह भी जानना जरूरी है आप जानिए भारतीय संस्कृत चतवारा आश्रम भारतीय संस्कृत में चार आश्रम माने गए हैं पहला ब्रह्म आश्रम दूसरा गृहस्थ आश्रम तीसरा वानप्रस्थ आश्रम चौथा सन्यास आश्रम स्मरणीयम इसे भी याद रखिए कि शंकराचार्य चतुर मठान संस्थाप्य शंकराचार्य ने चार मठों का निर्माण किया एते मठा ये जो मठ हैं वो हैं पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ पश्चिम में द्वारिका शारदा मठ उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ दक्षिण में रामेश्वरम श्रृंगेरी मठ ये भी आपको जानना आवश्यक है जो चारों धाम आपने सुना होगा ये चारों धाम है तो सनातन धर्म का तो सनातन धर्म का उन्होंने निर्माण किया जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं तो फिर एक नए अध्याय के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद